इसकी बहुत बर्दाश्त कर ली हद। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड मिरर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम गुप्ता। तो इंडियन टेलीविजन में कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, लेकिन छोटे पर्दे से जुड़े कुछ विवाद ऐसे रहे जिन्होंने सालों तक सुर्खियां बटोरी। इन विवादों के चलते कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए तो कुछ के करियर को भारी नुकसान हुआ। आइए आज बात करते हैं ऐसे कुछ विवादों की जो खबरों में छाए रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की जो लड़ाई हुई थी। फ्लाइट में पता नहीं क्या हुआ था, उसके बाद सुनील ग्रोवर ने सबसे पहले तो शो छोड़ दिया और उसके बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वो काफ़ी वायरल हुआ था। तो कपिल और सुनील ने टीवी की दुनिया को एक बेहद हिट शो दिया। दोनों की जोड़ी को दर्शक बहुत पसंद करते थे। खबरों की माने तो सुनील ग्रोवर ने कपिल के शो में भारत का प्रमोशन करने से भी मना कर दिया था। तो दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं शिल्पा शिंदे वर्सेस मेकर्स ऑफ भाभी जी घर पे हैं। तो शो के मेकर्स के साथ काफ़ी देर लड़ाई चली शिल्पा शिंदे, उन्होंने केस तक कर दिया था। इवन कि बिग बॉस में भी हमें दिखा कि विकास गुप्ता पर बहुत सारे आरोप लगाए शिल्पा शिंदे ने। विकास गुप्ता प्रोग्रामिंग हेड थे एन टीवी के उस वक्त जब ये भाभी जी घर पे हैं शूट कर रही थी शिल्पा शिंदे, तो बहुत इनका विवाद चला। शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पे हैं में अंगूरी भाभी के नाम से काफ़ी फेमस हुई और उन्होंने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी बुलाई जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने भाभी जी घर पर हैं छोड़ा नहीं है, बल्कि उन्हें छुट्टी दे दी गई है और ये भी बताया नहीं गया कि क्यों ऐसा किया गया है। इसके बाद बात करते हैं आईपीएल 2013 की स्पॉट फिक्सिंग मामले के, जिसमें कि विंदु दारा सिंह का नाम आया था। तो बॉलीवुड टेलीविजन से जुड़े पहले आदमी का नाम आया था उस समय, तो पूरा बॉलीवुड टेलीविजन डर गया होगा उस समय। तो उस समय क्या हुआ था कि मामले में बिग बॉस 3 के विनर विंदु दारा सिंह फंस गए थे। मुंबई पुलिस ने पहले ही ये आशंका व्यक्त की थी कि फिक्सिंग का कनेक्शन बॉलीवुड से जुड़ा हो सकता है और हुआ भी ऐसा ही। पुलिस ने इस मामले में दारा सिंह के बेटे विंदु को गिरफ्तार किया। विंदु को 3 दिन पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं टेलीविजन जगत की दो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कसौटी जिंदगी की ओरिजिनल की कास्ट सेजेन खान और श्वेता तिवारी के बारे। इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था, इवन की अवार्ड भी जीती थी इनकी जोड़ी, लेकिन असल जिंदगी में ये बिल्कुल ऑपोजिट थे, एक दूसरे से नफरत करते थे। सेजेन ने कबूल किया था कि वो और श्वेता डेट कर रहे थे, लेकिन श्वेता इस बात से भड़क गई और उन्होंने सेजेन को धमकी दी कि वो उन पर मानहानि का केस करेंगी अगर उन्होंने फिर से कोई ऐसी बात पब्लिकली की। हाल ही में एक लीडिंग वेब पोर्टल को सेजेन खान ने बताया था कि लड़ाई होने के बाद श्वेता और उनके बीच बात बंद हो गई थी, लेकिन इसका उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बता दूं कि सेजेन ने शक्ति सीरियल से टेलीविज़न पर वापसी की है, तो वहीं श्वेता इन दिनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में हिस्सा ले रही हैं। चलिए आखिर में बात कर लेते हैं उस समय की जब कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताज़ा में तनिष्ठा चैटर्जी बीच में ही शो से चली गई। तो आखिरकार क्या हुआ था? तनिष्ठा शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताज़ा पे अपने को एक्टर्स के साथ फिल्म को प्रमोट करने आई थी। शो के होस्ट ने उनके चेहरे के रंग को लेकर मजाक किया, जिसके बाद वो भड़क गई। फिर उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने शो के मेकर्स के खिलाफ लिखा। इसके बाद चैनल के एक स्पोक्स पर्सन ने उनसे माफ़ी भी मांगी। तो ये तो थी टेलीविजन जगत से जुड़ी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज जिन्होंने बहुत देर तक सुर्खियाँ बटोरी। ऐसे ही टेलीविजन बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड मिरर, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।